जानकी धूर देव कृपा देता
नायक का सुख यही जानकी चरण बस है बिरहिया सांग पनीता देही जानकी धूर देहो कृपा निध नानक का सुख यही वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पुराने विस्तार दसिया है कि ये जो कुछ भी होता है ये उस अकालपुर के भाणे च लिखा होता है कि साडे कई विद्वान जिहड़े ने सुखराज जिन्हां नूं असीं फिलोसफां दा भी नां दिंदे आ उहनां ने भी इस जिंदगी नूं इक बहुत थोड़ जिही ते अणकियासी मनिया है किस टाइम किस बंदे ने कदे चलो जाणा है परमात्मा नहीं पता है। दरअसल कोई किन्नी जिंदगी जिया है मेरा कार सिंह होना उदो तो संबंध है जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज पटियाले एम ए पढ़ते थे इंस्टीट्यूट कर रहा है और उस टाइम तो लैके हम तक जो संबंध ने वो परिवार संबंध बने टीचर स्टूडेंट रिलेशन के साथ और जो उन्होंने मैंने पूछा कि सोचे कि गुरु चढ़ाई करके मैं जितने थोड़ा पूछने की कोशिश की थी आज असि जिस शख्सियत को श्रद्धांजलि देने लिए इकट्ठे हुए हैं जिस परिवार नाल लोग साझा करने लिए इकट्ठे हुए हैं जी गुरबाणी का फर्क है राणा बहुत बोल रहे रंग नाम समी पारी आपो अपनी कोई नफर नहीं देहा की लिखा तेरे हुक्म कमाए कले आए नानका सदे उठ जाए ते महाभारत अनुसार साढ़े जिन्हें भी इतने रिश्तेदार सके संबंधी दोस्त इस दुख की घड़ी साढ़े सारे दुख के साथ पाण दुख पंजाब आए जी मैं उन्होंने सारे का साढ़े सारे लोग धन्यवाद करता।
Thank you.
सम्मानित सत्कार योग सतगुरु जी की साजी अते गवाजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सारिया संगतां गुरफतेह की सांख पा करके तलवारी बनाओ बड़े प्यार सहित बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दीन दुनी के मालक शब्द अवतार शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन चरणा च शहीदां दे इस पवित्र स्थान ते अज आप सारे एक वैराग नहीं एक शोक नहीं समय ते इकत्र होए हां। दर करते प्रीत वार साडे बहुत ही सत्कार जो सरदार सोहन सिंह जी जिहड़े कुछ रोज पहला समुचे परिवार नूं समुचे रिश्तेदारां नूं सानू सारिआं नूं सदीवी विछोड़ा दे के अकाल चलाना कर गए सन। अज आपां सारे उहनां दे अंतम अरदास दे समागमां च हाजरियां पा रहे हां। सतगुरां दी बख्शी हुई मर्यादा दे अनुसार परिवार ने गुरबाणी का आसरा लिया है। परसों के रोज तो ग्रह विखे श्री अखंड जाप प्रारंभ सन। सतगुरां की कृपा हुई आद मद अंत संपूर्ण भोग पै उपरंत गुरु घर विखे कथा कीर्तन के सुंदर समागम सज रहे ने आप सारे हाजरियां पा रहे हैं। हुणे हुणे मंगला चरण के श्रीमान बाबा रविदास जी का उच्चारण किया हुआ पवित्र वचन आप सारिया ने सरवण किया है। सानू समझा रहे ने एक उपदेश की बख्शिश कर रहे ने बाबा रविदास जी ते आखदे ने ऐ प्राणी कदे सोचिया है कि मेरा है ते की तेरा है। गज के आपको सतनाम श्री वाहे पदार्थ की जगन विच सवेरे शाम पदार्थ नूं प्राप्त करते असीं जतन करते रहिंदे हां। आ भी प्राप्त हो जाए आ भी प्राप्त हो जाए यह मनुख की लालसा है। इस गल की गवाही साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने दी है। सतगुरु जी कहते हैं तृष्णा विरले ही की बुझी है कोट जोरे लाल करोरे मन न होरे परे परे जेड़े बेचारे को लख नहीं ओदी तृष्णा ए वे मैनू लखा की प्राप्ति हो जाए जिदे को लखा आ जाते जिदे को संतोख की दात है। मालक के चरणों विचों संतोख कोई विरला मंगता है। असीं सारे पदार्थ मंगते हाँ कोई विरला है जिहड़ा ये गल कहिंदा है मालका तेरे सर ते आया मैं कृपा कर मैनू संतोख मिल जाए। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। क्यों उन्हों सोझी आ गई कि पदार्थ जिन्ने मर्जी प्राप्त हो जाण पदार्थां विच सुख नहीं सुख संतोख दे विच परमेश्वर दे नाम विच। जिन्हों इस गल की सोझी आ गई उही संतोख मंगेगा। जिन्हों नहीं गुस्ताखी माफ मेरे वर्गा विद्वान बेशक जिन्ना मर्जी कीर्तन करी जावे जिन्नी मर्जी कथा सुनाई जावे जे सतगुरु तो पहला मन विच ये ख्याल आया है अज पैसे बड़े हो गल क्या को सरना श्री कदे ख्याल है अज पैसे बड़े हो कह लगा कि आया है वो मन का ही मन विच कथा करन तो पहला कई बार इस तरह होया है कि अज पैसे बहुत हो पैसे बहुत महापुरुष कह लगे पर हो कह लगा कि जिन्ने सोचे उसको दुगने हो और कई बार इस तरह होया कह लगे। हम दूसरे सवाल का जवाब दे बी कदे मन विच कथा करन तो पहला ये उमंग आई बई अज वड्याई बड़ी हो गए लोग वाह वाह कर भी ज्ञानी जी ने कथा बड़ी सोहनी की बहुत बड़ी वधिया कथा सुनाई। कहने लगा कि बड़ी बारी एक उमंग पैदा हो कहने लगे फिर वड्याई होगी कहने लगा कि जिन्नी सोची सी ना उस तो भी दुगनी हो दुगनी हो। कहने लगे ज्ञानी जी मालक तेरी चरणों के विचों पैसा मंगया तुसी आपे किया कि जिन्ना सोचा उस तो दुगना हो गया। कहते मालक के चरणों विचों वड्याई मंगी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ
जिन्नी चौदह था उसको टुकड़ी होगी कह लगे मालिक के चरणा में जो मालिक तू मंगिया ही नहीं तो उन्हें नहीं मिल जाना कर क्या हो सकना श्री जगत ये सारी हालत है असि रब दिया बनाईया चीजा रात मंगी जाने शतन करते रहने आ भी प्राप्त हो जाए आ भी प्राप्त हो जाए विद्वाना का नहीं जिन्हें रब न प्राप्त कर लिया जिन्हें रब न पा लिया इस वास्ते ये जो पदार्थ ने ना ये सानू परेशान करते हैं अज साडे कोल इन्ना धन है असि कहने कल तक इन्ना हो जाए परसों तक इन्ना हो जाए कृष्ण अगे तो अगे तुरी जाती है कहता एक शाहूकार ने अपने मुनीम नू अपने कोल सद्या ते कहता मुनीम जी मेरे को बड़ा धन पदार्थ है तुहानू ते पता है तुसी सारा हिसाब किताब रखते हो बड़ा धन पदार्थ है मुनीम कहन लगा हां शाह जी पहलिया बह के खान ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵੇਹੜੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦੌੜ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸ ਪੀੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌੜ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸ ਪੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਮਨੀਪ ਜੀ ਦੇ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮਨੀਪ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਸ ਪੀੜੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ दूजा वजीर के सिर से टिकता है इन्हें राजे वजीर इस धरती तो अगे गुजर गए ने आम मनुखा की बात करिए आम मनुखा की गल करिए इतने कई सिकंदर हो गए ने तू रोनी केड़े सिकंदर की मां किसी ने दिया इतने पता नहीं किन्ने सिकंदर होते गुजर गए इस धरती से पता नहीं किन्ने हो गए चले गए जे दस हम बैठे कहते बैठे समझाते ने बाबा रविदास जी कहते ने कदे सोचे आई की मेरा इतने की तेरा झूठे दावे करता फिरता है एक उदाहरण दे के आते ने कहते जैसे तरवर पंख बसेरा तरवर का मतलब होता है रुख पंख का मतलब होता पक्षी बसेरे का मतलब होता टिकाणा रहना कहते तेरा इस संसार ते बसेरा बस इतना ही है जिन्ना एक पक्षी का रुख के उपर बसेरा है कहते रात कटने वास्ते आता है जदों सवेर होती है दिन चढ़ता है चानन होता है तो पक्षी उडारी मार के अपनी मंजिल नूं चले जांदा है रुख नूं छड्ड जांदा है कहते संसार एक रुख है ते ऐ मनुख तू एक पक्षी की तरह जीव इस संसार रूपी रुख के उपर अपना बसेरा करते बैठा है ते चलिया तुस ए समझी जाना है कि शायद मैं पक्का ही बैठे रहना नहीं चले जाना जदों मौत रूपी सवेरा होया जितनी रूपी रात खत्म हो गई इस संसार अलविदा कह के चले जाना नहीं बैठे रहना धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज सानू समझाते ने आनंद साहब की ग्यारहवीं पौड़ी विच की आंदे ने ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले प्राणी क्या मेरा क्या देगा परिवार नाल तेरा होए कुटंब परिवार नाल तेरा होए संसार नाल तेरा होए पदार्थां दे नाल तेरा होए धन दे नाल तेरा होए जायदाद नाल तेरा होए बस कदे सोचिया इत्थे रह जाणगे नाल दी नाल एहो कुटंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले गुरु अमरदास जी महाराज कहते सी तैनू तां सिखिया दिंदे आ भई नाम ने तेरी सहायता करनी इस वास्ते नाम जप एक ओंकार तों लैके 18-10-20 तक सारे धर्म गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी पढ़ लो सतगुरु इक उपदेश दिंदे ने जिन्नी ऐसा हर नाम ना जपियो से काहे जग आए राम राजे आयो सुन पढ़न को बाणी मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो हर जियो कृपा करो तो प्यारे सतगुरु दाता मेल मिलावो हर नाम देहो आदा दे नाम की बात पाई है सतगुरु ने कि नाम जपला क्यों बार बार आखिया नाम जपला
टीचर हमेशा स्टूडेंट नु एकर कहता है बच्चा पढ़ ला तेरे काम आ देगा, पढ़ ला तेरे काम आ देगा। जदो क्लास में प्रोफेसर होता है, टीचर होता है, मास्टर होता है, क्लास में जो कहता है पढ़ लो तुहाडे काम आ देगा। पर जिन्ना चिर असि नादान होंगे सानू समझ ही नहीं आती, उन्ना चिर असि इहो कहने आपणे टीचर मास्टर एवें रौला पाई जांदा है, एवें रौला पाई जांदा है। छोटा बच्चा है वो रौला पाउंदा है मां मैं स्कूल नहीं जाना, सोच ही नहीं। पर जो बच्चा सियाना हो जाता है ना, चार रखियो माता पिता कई बार कहते हैं पुत्रा बीमार हो जाएगा पर आराम कर ला, बच्चा कहे तो की पता है मेरा आराम है, जब पढ़ा चंगे नंबर लवान, चंगे नंबर लवाना चंगी नौकरी मिलेगी, मेरा भविष्य सुधर जाएगा। बच्चे जो सोच ही आ जाती और पर जो असि नादान होंगे सानू नहीं पता, उदो असि यह कहने बाबे कई करते हैं नाम जपना चाहिए, नाम जपना चाहिए फायदा की, फायदा की। पर गुरु साहब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं उदो पता लगना है अगो नेड़े आया पिछा रहे दूर, जो मौत ने सामने विखाई दे दी फिर गुरु साहब की कहते सी नाम जपना चाहिए सी लोका खुजा ले खुजा ले। अब पछताया क्या बोध जब चिड़िया चुग गई है, ता गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं मनुख मैं तेन बार बार कहना वा जप ला जप ला, क्यों तू परिवार को जपी जाना है, कुटावर को जपी जाना है, मेरे प्यार वाला परिवार सी थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी रखी सी समागम ते गए रात उन्होंने घर है सारे चल रहा है।
क्योंकि सज्जन कई किस्म के ने, एक तो वो भी सज्जन होता है जिसकी गल सतगुरु ने आखी है पवित्र बाणी च गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने, सुख में आन बहुत मिल बैठ रहत चहु दिस के है, बिपत परे सब ही संग छाड़त को ना आवत दे रहे। जब सुखां का समा हो गए फिर बड़े नेड़े नेड़े दिते मैंने तेरा परम मित्र है, परम मित्र है कि तू मेरी मित्रता ही अजमा के देखी। तो सन वो सज्जन है जिहड़ा हर वेले साथ देता है। सतगुरु ने तो कह दिता केवल इतने संसार में ही नहीं, कहते जो परलोक भी साथ पावे वो असली सज्जन है। चलते हैं नाल चला जिते लेखा मंगी ये तिते खड़े दिसन। जो धर्मराज की कचहरी बंदा जाता है ना तो उसे भी लागे खलोते होंगे ना कि मेरा मित्र है करे। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी राम। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी कहते हैं फिर कह हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोंदन बिठे अस्त अगोद भया उठ चले ज्यो ज्यो औद बिहानिया। सच्चे एक कहावत भी सुनते होने हूं तो वैसे टेलीफोन का जमाना है बीड़ के तक होके बीर ने आना है या नहीं आना भैया पहला टेलीफोन से इनफॉरमेशन मिल जाती पहला काम कोलिया करता से ना बनेरे से फिर भैं सस को बनेरे को पढ़ाया करता। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने भी इस गल की गवाही दी है। बादशाह कहते हैं काग उडावत कुजा विरानी। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਧੁਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲਣ ਬਿੱਠੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕੋਇਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿਓ ਰਾਵਣ ਕਹਿਓ ਜਾਗੋ ਕੋ ਪਰਵਾਹ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਿਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਟੇ ਅਸਤ ਅਗੋਰ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਬਿਹਾਣੀਆਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਬੁਢੀਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਕੀ ਰਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਸਨ।
ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣੀਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਵਾਰ ਸੱਜਣੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ Hey.
उच्चारण किया हुआ वृद्ध शब्द कहे कबीर सुनो रे संतो खेद ही करो नबेरा अब की बार बख्श बंदे को बहु न पहुंचे फेरा। इंसान जन्म लेके आता इस संसार से जिंदगी का सफर करते हैं एक नहीं अनेक भुला हो जाती है स्वभाविक बात है। गुरु साहब ने जो सानू सिद्धांत बख्शिया है ना वो ये सिद्धांत है कि जेकर किसी विच कोई औगण है ना ते किसी का औगण वेख के तू खुश ना होई कि उहदे विच बड़े औगण ने बड़ा ही माड़ा औगण है कदे खुश ना होई। अरदास दे विच आपां एक बचन पढ़ते हैं देख के अणडिठ कीता जिन्होंने देख के अणडिठ कीता है ना उन्होंने कमाई का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु उन्होंने सत्कार है उन्होंने मान जो देख के अंडिठ करते हैं। पर अजोकी समय में मनुख की फितरत मनुख का ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸਾਜਾ ਪਿਆਰਿਆ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮਨੀਆਂ ਹਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰੇ ਆਏ ਤੋ ਦੇਵ ਦੇਵ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਪੰਥ ਕੇ ਮੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨਾ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨ ਚੰਗੀਆਂ ਝੰਡੇ ਭੂਮੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੀਵਾ ਮਾਤੁ ਜੀ ਮਨ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜੀਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜੀ ਨੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਧੰਡੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਵਾਜ ਜੀ ਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਮਾਤ ਰੂਪ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਾਰ ਮੁੜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੁਖਮਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਦਰਸ਼ਿਓ ਬੜੀ ਸਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਲਾ ਜੀ ਸਦਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੀਲ ਲੈਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਦੇਹੁ ਸਜਣ ਸੀ ਸਜਣਿਆ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੀ ਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉਗਣਾ ਮੁੰਡਾ ਚਤਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਰਹਿਆਂ ਵਿਖੀਆਂ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮੰਗਲ ਭਰਾਹੀ ਰੱਖਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਵਰਤਾਉਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੀ ਬਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰਮਾਨੇ ਪਛਾਕੇ ਭੇਟਾ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋ ਕੋਈ ਪਰਦੇਟ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਸਲਾਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਘਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਜੇਗਾਂ ਸਾਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੇਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਨਵਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤ
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਬੋਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ।
बहुत सारिया साड़िया जथेबंदियां जिहड़ियां ने बहुत सारिया अहम शख्सियतां जिहड़ियां ने वो इस परिवार के नाल शोक स्नेह के विच शामिल ने। मैं संकेत के लफ्जों के विच वो शोक स्नेह भी तुहाडे सामने बयान करांगा ते उहदियां शख्सियतां जिहड़ियां आईआं ने उहनां दे नाम भी लैके परिवार वालों का धन्यवाद भी करांगा। मैं सब तो पहला जिहड़ियां जथेबंदियां ने सानू शोक स्नेह भेजे ने उन्हां नूं बयान करदा हां, उन्हां बारे दसदा कि जिहड़े सारे दे सारे इस परिवार दे उस परिवार दे नाल जिसके मुखी सरदार सोहन सिंह जी इस भावें इस पहले साडे विचार नहीं पर जिस तरह उन्होंने पिछले लंबे समय तो इसे पिंड में रहदिया खेतीबाड़ी की किरत करने तो बाद फिर वो विदेशों में भी गए तो लगभग 25 साल उन्होंने कनेडा के अपनी जिंदगी बसर की। प्रोग्राम एक बार फिर पिंड खिंच लिया अपने आखिरी जिंदगी के सह जुड़े से उन्होंने अपने इसी पिंड की बीती ने बताए वो बहुत ही सरकार जो शख्सियत सन क्योंकि उन्होंने प्रेरणा सदका सरदार तारा सिंह जी जिन्हों बारे मैं बहुता भी कह दिया भी बड़ा मिलेगा उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में पंजाब के ही बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में बल्कि एशियन खेडा के इतिहास में एक नवा कीर्तिमान जो स्थापित किया शायद ऐसे जहे बजुर्गों की एक बहुत ही वड्डी प्रेरणा सी उन्होंने बहुत ही वड्डी उन्होंने सिख्या से जो इस मुकाम से पहुंचे ने जिथे सरदार सोहन सिंह जी की कमाई तो बाद विदेशों में जाने तो आखिरी स्थान इतने छड़े ने तो उन्होंने परिवार भी जोड़ा है जिन्हों के तारा सिंह जिन्हों का खिलाड़ियों का परिवार भी किया वो अर्चना अवार्डी भी रहे पहले इंडिया ने खिलाड़ी हुए ने जो एशियन गेम्स के बच्चे जिन्होंने रिकॉर्ड के नाल मैडल जीता पहले भारतीय हुए ने जिन्होंने 200 किलो तो बाद क्लीन एंड जर्क के रिकॉर्ड कैम किया एशियन कमीशन अथलीट कमेटी के पहले भारतीय सरदियों इस कमेटी का मैंबर बनाया तो उन्होंने जिंदगी के अपने कैरियर के 38 रिकॉर्ड कैम किए। मैं हूँ जो शोक ने साडे को वक्त वक्त जितने बंदियां बनवाए ने मैं उन्होंने सामने बेरवा देना भी चाहना जो इस परिवार के नाल दुख की कड़ी के शामिल ने। सब तो पहला रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा उन्होंने वालों एक शोक स्नेहा जरा है वह परिवार ने पहुंचा है वो भी रामगढ़िया कॉलेज का सू परिवार अज की इस दुख की कड़ी के परिवार के नाल दुख साझे कर रहा है। इसके नाल राजा सिद्धू जी जनरल सैकटरी पंजाब ओलंपिक एसोसीएशन वालों भी सानू शोक स्नेहा जरा वो मिलिया है पंजाब कुश्ती संस्था वालों भी शोक स्नेहा जरा वो साढ़े तक पहुंचा है। कपूरथला जिला कुश्ती संघ वालों भी एक शोक स्नेहा जरा है वो परिवार के नाल साझा किया गया है। एस आर मदर जी IAS दिल्ली तो उन्होंने भी अपने शोक स्नेह के परिवार नाल दुख साझा किया है। सरजीवा जी बास्केटबॉल SP लायन अर्चना अवार्डी उन्होंने भी अपना सुनेहा दे के परिवार के नाल दुख साझा किया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसीएशन वालों भी शोक स्नेहा जिहड़ा सी वो परिवार के नाल साझा किया गया है ते होर जिहड़ियां उड़ा दियां होर जिहड़ियां शख्सियतां है पहुंचियां ने उन्हां विच सुखबीर सिंह जी जिला प्रधान कांग्रेस कमेटी नौशहर रणवीर सिंह बिल्ला ब्लाक कांग्रेस प्रधान भी इस वेले इस दुख के मौके से साडे विराजमान ने। खन्ना वेटलिफ्टिंग क्लब खन्ना वालों भी एक शोक स्नेहा जिहड़ा है साडे तक पहुंचा है वो भी परिवार के नाल इस दुख की घड़ी के विच साझे इस दुख की घड़ी के विच शिरकत करते हैं उन्होंने नाल अपना दुख साझा करदे उन्होंने भी शोक स्नेहा साडे नूं भेजिया है। अकाल डिग्री कॉलेज मस्तूवाड़ा वालों
शोक सुनेहा सरदार तारा सिंह जी के नाम भेजा गया है। असी उस शोक सुनेहे के बिच जिहड़े प्रिंसीपल मस्तवाड़ा दे ते उन्हां दे नाल मनजीत सिंह जी, एस पूनिया जी, सुखदेव सिंह ढींसा मैंबर दा सभा जिहड़े प्रधान ने उन्होंने भी ये शोक सुनेहे ते अपने नाल दुख दा सत्कार साझा किया है। सीनियर सिटीजन कौंसल फगवाड़ा वालों भी एक शोक सुनेहा परिवार के नाल साझा किया गया है। दुख की घड़ी सीनियर सिटीजन फॉर्म ब्लड बैंक फगवाड़ा एनवायरमेंट एसोसिएशन गुरु हरगोबिंद रूरल सोसायटी भी इस दुख की घड़ी में परिवार के नाल शोक का साझा कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट वेटर ट्रेन एसोसिएशन कपूरथला वालों भी इस मौके से परिवार के नाल शोक स्नेह राही दुख साझा किया गया है। शहीदा ने जिन्होंने नाम मेरे को आए ने उन्होंने सरदार परमिंदर सिंह खालसा आए थे वार्ड नंबर 7 तो अपने शहदों के फुल खेड़े पेट करने लिए वो भी इतने विराजमान ने उन्होंने भी जी है। इस दुख की घड़ी के जिहड़ियां होर शहीदा साडे दरम्यान आईया ने सुरिंदर सिंह जी ओलंपियन पीडीएस कागरा जी नैशनल कोच डी के शर्मा जी नैशनल कोच प्रिंसीपल ओंकार सिंह जी श्री बांसल जी जनरल सैकटरी एट एक्मे फाउंडेशन एक बहुत ही परिवारक सांझ जिहड़े बहुत ही पहला तो मैं भी सीतू सिंह पुलाही तारा सिंह हरदीप सिंह असी बहुत टाइम असी कालजा के रूप इकट्ठे रहते एक परिवारक मैंबर की तरह असी अज भी उसे तरह विचरते हैं जो कहते पहला असं कालजा पढ़ते सी ते उन्होंने सरदार हरदीप सिंह जी वह भी इतने बैकवर्ड ने जोड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने वेट लिफ्टर ने एजुकेटर ने ते बहुत ही इस परिवार नाल पूरे संबंध उन्होंने रहे ते वह भी इतने दुख में शामिल ने ते उन्होंने भरा हरबंस सिंह जी उन्होंने परिवारक रिश्ता है इस परिवार के नाल वह भी इस दुख की घड़ी इस परिवार के नाल खड़े हैं। परमेश चंद्र गोल्ड मैडलिस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स इंदर सिंह चाचना अवार्ड जी जगतार सिंह टायर एस पी वेट लिफ्टिंग सुखविंदर सिंह राष्ट्रीय कोच फुटबॉल जगीर सिंह फुटबॉल कोच पी आर सोनी जी राष्ट्रीय कोच जेडे कुश्ती दे रहे हैं उन्होंने भी अपना दुख साझा कर लिया अज इस प्रोग्राम में मौजूद ने। मैं हम शोक स्नेहा तो बाद जिहड़ियां होर शहीदां साडे कोल पहुंचियां ने कुलदीप सिंह निर्मल सिंह जी ओलंपियन पंजाब के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एसोसीएशन के सारे पंज भी अज के इस उलास पलों के परिवार के नाल दुख साझा करते हैं। सुरजा सिंह जी पी एच डी मनजीत सिंह जी प्रिंसीपल पुनिया जी चावला जी सीनियर पत्रकार तिरकोटा जी ते फगवाड़े तो होर सन्मानित ए एम सी जेडे अज इस परिवार के नाल दुख की घड़ी शामिल ने वो सारे सारे अज इतने विराजमान होए ने ते मैं हुण इस श्रद्धांजलियां के प्रोग्राम के विच संखेप है प्रोग्राम के बच्चे क्योंकि मैंने पता है कि बहुत साढ़े को बारे जिन्हें भी हैं वो थोड़ा जहा टाइम का संकोच कर थोड़े जे दफ्तर के अपन श्रद्धांजलियां भेंट कर क्योंकि दुख अपन सारे साझा है तो यह दुख जोड़ा है कभी ना भुलने वाला है तो यह दुख में असं जिन्ना मर्जी खोर लंबा करी जाइए साड़ी वो जी है कि बड़ी इमारत साढ़े को मुश्किल है वो असं कभी वापस नहीं लिया सकते पर एक अटल सच्चाई है कुदरत का रिदम है जिसने एक बार जिथे आना है तो उसने जाना भी है चेता तागी कीजिए जे तना होनी होए तो परमात्मा ने सानू भेजा भी है सानू लै भी जाना है। मेरा
ਕਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਟੀਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੱਕ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਟੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਰਤਾ ਨੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਹਾਂ ਰਹੇ ਸਮਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮੈ ਆਵੈ ਹੁਕਮੈ ਚਲਾਵੈ ਹੁਕਮੈ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰ ਬੁਆ ਰੋਗੀ ਬੁਆ ਗੁਰੂਆ ਸਤਸੰਗਤਾ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਰੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ 20-25 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੋਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਾਇਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਜੀਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਵਿਖਿਆ ਤਿਰਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਵਾਏ ਇਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਂਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
इस जगत विच आउंदा है। जिस तरह का भी कर्म वो भी परमात्मा द्वारा ही निर्धारित होंदा है कि इंसान ने इस जीवन दे विच क्या कुछ करना है और वो अपना जीवन यात्रा जितनी भी विधि है मरण आए मंगल में आए थे हुक्म अनुसार इंसान जदों भी आता है उसका मरण पहला लिखा जाता है फिर उसका जन्म होता है। उन्होंने परमात्मा ने भेजा कि तू दुनिया के जाके क्या कर्म कमाना है। मैं इन्ना ही कहांगा कि सरदार सोहन सिंह जी जो सातों पिछड़ गए ने उन्होंने हिस्से इन्नी जिम्मेवारियां लगाईया सी और उस प्रभु की कृपा न हर अपनी जिम्मेवारी दे विच सफल रहे। बड़ी बार मेरे नाल गल करते होंगे सी कि भाई तारा सिंह स्पोर्ट्स दे विच बड़ा इंटरेस्ट लेता इनू होर अगे ले जाने लई की कीता जावे। मैं उन्होंने यही कहता सी तुहाडी आशीर्वाद तुहाडा प्यार तुहाडा सिर ते उन्होंने हाथ जो है यही उन्होंने अगे ले जाएगा। और हम शीतल सिंह उन्होंने जिवें दस्या कि वेट लिफ्टिंग दे विच उन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित किए जो साढ़े लिए तो फकर का मान फकर की गल है ही लेकिन साढ़े आने वाले जो वेट लिफ्टर या दूसरे स्पोर्ट्समैन उन्होंने सारे ने भी एक मार्गदर्शन करते हो रहे ते उन्होंने साबित किया कि अगर असं कुछ करना चाहते हैं जितना चाहते हैं पाना चाहते हैं तो मेहनत करके और पूरी तरह लगन करके लगा के असं हर चीज नूं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन किस तरह का होना चाहिए हमने दुनिया की उन्होंने भी दस्या पहला राखी सिंह ने भी दस्या मैनु सोहन सिंह शीतल की लाइन याद आ रही है उन्होंने कहा कि शीतल सदा जहान से जीवदा हो मरने बाद भी जिसका जस हो गया। जिस इंसान को मरन तो बाद लोग याद कर प्यार कर और दसे रास्तों से चलने का प्रयास कर कोशिश कर वो जीवन सफल जीवन है। आने सारे ही इस दुनिया से जो आ बंदा लोग खुशियां मनाते हैं कि साढ़े घर बेटा पैदा होया फला के घर सपुत्र पैदा होया उन्होंने अच्छी औलाद मिली लेकिन जिमें कबीर जी ने कहा कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए ऐसी गल नहीं कर चले हम हसे जग रोए। इंसान नू अपने जीवन दे विच इस तरह की घालना करनी चाहिए है इस तरह का जीवन बतीत करना चाहिए कि जिसके नाल वो लोगों लिए एक मार्गदर्शन बने और लोग जदों सब तो पिछड़े उहदा विछोड़ा महसूस करन कि साडे विचों एक ऐसी आत्मा चली गई है एक अच्छी रूह चली गई है जिसका उसके परिवार नू समाज नू और देश नू बहुत सहारा सी। बहुत सारिया संस्थावां ने शोक ने सानू लगातार पहुंच रहे हैं वह हिस्सा रहे इस दुख की घड़ी च परिवार के नाल खड़े ने। हुण मैं आखिर दे विच तरलोचन सिंह जी सोहन एम एल ए उन्होंने बेनती करा कि वो जिते अपने गुरबाणी का फर्क है रौना रौना हो रहे रंग रंगी पारी आपो अपनी कोई असर दी जेहा की लिखा तेहे हुक्म कमाए कले आए नानका सदे उठ जाए ते महापुरख अनुसार साढ़े बहुत ही सत्कार योग सरदार सोहन सिंह जी बोल साहेब जिन्नी प्रभु परमात्मा को सुभाषा की पूंजी दिखा के जाए थे उसनों बहुत वधिया तरीके दे नाल घुरदे हुए परमात्मा के चरणों में जाता है। आप सारे ही इस परिवार के बारे और सरदार सोहन सिंह बोल जीवन के बारे भली भाग
क्योंकि पिंड की बेदी के इस परिवार का इन्होंने गाना विरोधा सरदार बाज सिंह जी सरदार सोहन सिंह जी और सरदार सोहन सिंह बोली हम बहुत बड़ा एक योगदान है। सरदार दारा सिंह जी बैठे ने अदना बाजी ने पूरे हिंदुस्तान इन्होंने उपर बहुत बड़ा मान है। मैनु भी डर है कि जिस वे सरदार दारा सिंह जी उन्होंने उस वे बहुत टेलीविजन नहीं होया करते जो पिंड वाले पता लगा कि साढ़े पिंड निकलना सून मसूद तो नहीं गदानी लगभग पूरे इलाके इन्ना जश्न मनाया गया और बजुर्ग फुले नहीं समाते थे इन्ने खुश थे कि सोने का तकमा तारा सिंह जी ने दिया बहुत बड़ा और जिसे खेडा के खेतर इस प्रकार का बहुत बड़ा योगदान है। नाल ही नाल जिहड़ा साडा पंजाब का विरसा है पंजाब की लोक गायकी है उसके विच भी इस परिवार बहुत बड़ी जगह है जिहड़ा हेक ला के गाउण दा उह इन्हां परदादा जी सरदार सिंह जी सोहन सिंह जी और सरदार सोहन सिंह जी और कदे कदे सरदार तारा सिंह जी नूं भी मैनूं पता है कि इन्हां ने भी वो जिहड़ी विरासत हैगी आ उह सांभ के रखी हुई है और नाल दी नाल पिंड दी खेती दे विच क्योंकि जदों प्राइमरी स्कूल साडे पिंड बन लगा सी और रब्बे मंदी तों बाद ते इन्हां दे दादा जी बन अगे हो गए सारे पिंड वासियों के नाल कि नहीं भाई ये जमीन अज आपां प्राइमरी स्कूल वास्ते ज्यादा छड़ लवांगे। बैठे ने सरदार अवतार सिंह जी साडे सबका सरपंच साहब जी और चेयरमैन साहब अपने सरपंच सिंह जी भोगर साहब उन्हां दा परिवार क्योंकि इन्हां दे बजुर्गां ने भी बहुत लंबा अरसा इस पिंड की पंचायत के लिए सरपंच के तौर पर काम किया ते वो कह लगे भी पानी तक अभी स्कूल अपना स्कूल बहुत अगे तक जाना गोविंद प्रभाव बहुत बड़ा क्योंकि साढ़े पिंड के सारे ही तकरीबन बोल रहे हैं और कह लगे भी मेरे खेतों के भावे तुम चार चार जी जगह को ले जाओ किसी वेले हो सकता उदो बहुत पता नहीं हूँ कि स्कूल कहाँ अपग्रेड भी होते तो अब उन्होंने देन है कि साढ़े पिंड का जो बारहवीं तक स्कूल है मैं कह कि इस तारा सिंह उन्होंने सतसोह सिंह उन्होंने परिवार की बहुत बड़ी देन है। पशुओं के हस्पताल के वेले उदों भी यही गल चली फिर जो डिस्पेंसरी सिविल डिस्पेंसरी बनी उदों भी यही गल चली फिर जो पिंड आई टी आई बनी उस वे भी एक गल चली और पिंड दलिया नालिया पक्या सीमेंटिया करने भी क्योंकि सरदारा सिंह उन्होंने ये बजुर्गों ने आप बार घूम फिर के बहुत कुछ सीखा सी और वो चाहते थे कि साडे पिंड भी अमरीका वर्गा कनेडा वर्गा या जिन्हें यूरोपियन कंट्री है वह जो माहौल है वह जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वह होना चाहिए। तो बहुत बड़ी इस परिवार की देन है और अब बुजुर्ग अपने बच्चे नहीं है और सरदारा सिंह हुई सानू पता कि अपने बजुर्गों दिन जो नीह पाइया है उन्होंने उपरी ज्यादा ने उन्होंने दिते हुए जो गुरती हैगी है जो कदर कीमत ने बड़िया का इज मान सत्कार करना छोटिया नाल प्यार करना वो सरदार तारा सिंह उन्होंने और सारे क्योंकि दो भरा सी वो पहले ही डाकू प्यारे हो चुके हैं और पहला ने वो सारे इसी खेती वास्ते हमेशा ही सोचते हैं और आप सारे ने जिस तरह रागी सिंह ने भी प्रिंसीपल साहब उन्होंने भी और सरदार भजन सिंह जी जिड़े कि साढ़े इस इलाके का मान भी ने उन्होंने भी और बैठे ने कैन साहब भी साढ़े एस पी साहब भी उन्होंने सारे ने क्योंकि आप जिन्हें भी जीव इसे बैठे इस गल तो बड़ी भाग जाता कि जोड़ा भी जीव इस संसार से आया है उसने कितना एक दिन इस संसार को जाना है। जिन्हें भी दुनिया के धर्म ग्रंथ ने जिन्हें पीर पैगंबर औलिए गुरु भी अवतार हुए हैं वो आप ही इस संसार को गए और सानू के प्रकाश के जरिए भाई आप सारे ठीक मैं इस संसार को गए गुरबाणी बारंबार अपन को यही गल दसती है जो दिन आई सो दिन जाए करना कूच रहन फिर गाही संग चलता हम भी चलना क्योंकि गबन साहब ऊपर मरना क्या तू सोया जाग के आना तैं जीवन जग सच करता जिस जियो जियो सो वेलकम रावे सब पट की तरहसा कर बंदगी छाड़ मैं मेरा ऐसे नाम समास देगा जामन सदानो पांच ना स्वारा शान भरी ना दर्शन दिया कह रविदास राम दवाने के दसने दुनिया बन अपन सारी सारी गलत क्या मेरे दसने नाल कोई ज्यादा फर्क नहीं पैना जिनी देर तक आप इतने श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने बैठे आप सारे
परमात्मा भी जावे ते मौत भी जावे। आपां प्रसाद लैण तों और दरवाजे नूं पार करना ते आपां सारिआं नूं इह दोनों गल्लां भुल जाए। परमात्मा नूं जिन्हें भी रिश्तेदार सके संगी दोस्त मित्र इस दुख की घड़ी विच साडे सारे मेहमान दुख के विच साथ पाण दुख पंडाम आए ने, मैं उन्हां सारिआं दा साडे सारे दे रूप धन्नवाद करदा। और क्योंकि मेरा ख्याल लंगर का प्रसाद लैण तों बाद लंगर भी सारे बेनती है कि सारे ने लंगर भी छक के जाना, क्योंकि सरदार तारा सिंह जी आप जानते हैं मन इस वे बहुत ज्यादा भरिया हुआ क्योंकि